तो गाइस मार्केट में सभी कंपनी अपना अपना मोबाइल लॉन्च करने में लगी हैं। यही हम बात करते हैं ओप्पो की, तो ओप्पो ने भी अपना 31 जुलाई को एक मोबाइल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है रीनो 4 प्रो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस फ़ोन के बारे में। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई मोबाइल रिव्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो कुछ ऐसी डिजाइन आपको मिलने वाली है जिसमें प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया गया है, बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है ये डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के मुकाबले ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। तो अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ आपको 6.5 फुल HD एमोलेड डिस्प्ले है जो कि एक कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, और साथ ही में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एक अलग ही प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाला है आपको। इसके अलावा आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। तो डिस्प्ले वाइज मैं बोलूँगा ये एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। अगर आप डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन लेना चाहते हैं और डिज़ाइन वाइज, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर फ़ोन होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कैमरा की, तो फ़ोन में आपको रियर पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा रहा है जिसमें 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है विद सोनी IMX586 सेंसर के साथ, जो कि फ़ोटो एंड वीडियो क्वालिटी को और भी बेहतरीन और प्रीमियम लुक देने वाला है। एंड सेकेंडरी कैमरा इस फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर के साथ भी मिलता है। इसके अलावा आपको 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX616 सेंसर का फ्रंट कैमरा मिलता है। और बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इस फ़ोन में आपको 4G LTE Wi-Fi ब्लूटूथ 5.1 GPS एंड USB Type-C केबल सपोर्ट करती है, एंड साथ ही में नीचे आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है, और यहाँ आपको एक सिम स्लॉट भी मिलती है जहाँ आप SD कार्ड की मदद से अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन में मिलने वाली बैटरी के बारे में, तो इस फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 64W सुपर BOOC 2.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, और इसमें सुपर पावर सेविंग मोड पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलने वाला है। और इस पर कंपनी ने दावा भी किया है कि 65W की सुपर चार्ज से इस फ़ोन को 36 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, तो यह एक अलग ही एडवांटेज है इस फ़ोन का। तो बात करें अब इसकी परफॉर्मेंस पर, तो इसमें स्नैपड्रैगन 723 चिपसेट का प्रोसेसर मिल जाएगा। यही फ़ोन चाइना में स्नैपड्रैगन 765 5G प्रोसेसर पर लॉन्च किया गया है। तो ओप्पो अपने फ़ोन हमेशा डिजाइन, डिस्प्ले और कैमरा के लिए फेमस रहता है। तो अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए आपको और अच्छा कैमरा चाहिए, तो यह फ़ोन आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो अगर आप बढ़िया प्रोसेसर के लिए ये फ़ोन लेना चाहते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें वो लेवल का प्रोसेसर नहीं लगा है जो एक गेमिंग के लिए होता है। तो अगर आप ये नॉर्मल यूज करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए सही है। अगर आप इसी रेंज में आपको और भी अच्छे फ़ोन चाहिए, तो वो मिल जाएंगे, और इससे भी बढ़िया प्रोसेसर आपको गेमिंग के लिए भी मिल जाएंगे। तो रीनो 4 प्रो की वेरिएंट की बात करें, तो ये 8 GB रैम विद 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, और एंड्रॉयड 10 पर ये रन करता है। बात करें इस रीनो 4 प्रो की प्राइस के बारे में, तो ये आपको 35,000 का ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा है। इस प्रोसेसर पर ये बहुत ही प्राइस ज़्यादा है। तो आपको अगर कोई अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो आप कोई दूसरा भी फ़ोन ले सकते हैं, वो भी इसी प्राइस पर। तो आप अगर इस प्राइस में लेना चाहते हैं, तो इसके प्रोसेसर को छोड़कर और बाकी सभी चीज़ अच्छी मिल जाएंगी इसी फ़ोन की।